हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुल्तानपुर से जुड़ी प्रसिद्ध हस्तियों के पार्ट 3 वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले सुल्तानपुर जिले की प्रसिद्ध हस्तियों का बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर अपनी कलम चलाई। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी। उन्हें कविता कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर में उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे एक प्रोफेसर हैं जो वर्तमान में उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। ये विक्रम विश्वविद्यालय के 31वें कुलपति हैं। इससे पहले ये प्रोफेसर के रूप में सेवाएं देने के अलावा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर ब्लॉक के बेहरा भारी गाँव के निवासी हैं। केशव महाराज। केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। इन्होंने अब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए 42 टेस्ट, 21 ओडीआई और 9 T20I में खेल चुके हैं। आपको बता दें कि इनके पूर्वज सुल्तानपुर जिले से बिलोंग करते हैं। केशव महाराज का परिवार 1874 में साउथ अफ्रीका के डरबन में जाकर बस गया था। कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय एक क्रिकेटर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुमार कार्तिकेय का जन्म सुल्तानपुर जिले के कुवासी में हुआ था। आईपीएल में ये मुंबई इंडियंस टीम से खेलते हैं। आपको बता दें कि 2022 में रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मध्य प्रदेश टीम का ये प्रमुख हिस्सा रहे थे। प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला एक राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा ये जाने माने पत्रकार भी रहे हैं और इससे पहले ये शिवसेना पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रेम शुक्ला सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ क्षेत्र के बनभोकर गांव के निवासी हैं। राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह वर्तमान में बीजेपी पार्टी से लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक हैं। इसके अलावा ये 1994 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं और ED के ज्वाइंट डायरेक्टर समेत कई बड़े पदों पर तैनात रहे हैं। आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह के पिता रिटायर्ड DIG रहे, तो इनके बड़े भाई मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं और इनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह एक चर्चित IPS अधिकारी हैं। राजेश्वर सिंह सुल्तानपुर जिले के भदैया ब्लॉक के पखरौली गांव के निवासी हैं। आलोक पांडे। आलोक पांडे 2006 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में ये गुजरात टूरिज्म के MD और कमिश्नर हैं। इसके अलावा ये IHM अहमदाबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सुभाष चंद्र दुबे। सुभाष चंद्र दुबे 2005 बैच के एक चर्चित IPS अधिकारी हैं। वर्तमान में ये यातायात निदेशालय के DIG हैं और इससे पहले ये अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट के अलावा आजमगढ़ में बतौर DIG के पद पर तैनात रहे। अब तक इन्होंने सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर देहात, आगरा, आजमगढ़, गाजीपुर, भदोही आदि जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं। माधव दास यादव। सदर तहसील के बनमई गांव के निवासी माधव दास यादव ने श्री कृष्ण लीला पर श्लोक, छंद, सोरठा के साथ लगभग 1100 दोहों और 11000 चौपाइयों वाले महाकाव्य की रचना की है। श्यामचरितमानस की रचना करने के अलावा इन्होंने बिरहा एवं लोकगीतों से भी अपनी पहचान बनाई थी। सुधाकर पांडे। सुधाकर पांडे एक प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने करियर में ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू, रंग दे बसंती चोला जैसी फिल्मों से अपने काम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ये सुल्तानपुर जिले के बानी गांव के निवासी थे। अशोक पांडे अनहद। अशोक पांडे अनहद वर्तमान में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ये मूलतः सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर क्षेत्र के आहदा गांव से हैं। आपको बता दें कि इन्होंने लखनऊ गान का लेखन किया है जिसे उदित नारायण ने गाया है। शंकर सुल्तानपुरी। शंकर सुल्तानपुरी वरिष्ठ बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। बाल साहित्य की लगभग 500 से ज़्यादा किताबें लिखने वाले शंकर जी हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में सिद्धहस्त माने जाते थे। साहित्य सृजन के लिए इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। रितेश रजवाड़ा। रितेश रजवाड़ा एक कवि, शायर और गीतकार हैं। आपको बता दें कि इन्होंने बाहुबली बिफोर द बिगनिंग नेटफ्लिक्स सीरीज में बतौर डायलॉग डायरेक्टर और मेजर फिल्म में बतौर गीतकार के रूप में कार्य किया है। बहु बेगम, ताजमहल, अली बाबा 40 चोर जैसी मूवी संवाद लेखक ताबिश सुल्तानपुरी भी सुल्तानपुर जिले के तियरी गांव से थे। संतोष पांडे। संतोष पांडे एक राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में सपा पार्टी के सदस्य हैं।
संतोष पांडे लम्हुआ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा ये भगवान परशुराम चेतना पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। डॉक्टर डीएम मिश्रा। डॉक्टर डीएम मिश्रा एक कवि एवं गजलकार हैं। इनके देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में 500 से अधिक गीत, गजल, कविता व लेख प्रकाशित हो चुके हैं। ये सुल्तानपुर जिले के मरखापुर गांव से हैं। इसके अलावा नाजिम सुल्तानपुरी भी सुल्तानपुर जिले के प्रसिद्ध शायर एवं गजलकार थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।